इमेजिन टीवी चैनल की शुरुआत 2008 में हुई थी। चैनल ज्यादा देर तक नहीं चल सका है, चैनल 2012 में बंद कर दिया गया, परंतु इन चार सालों में इमेजिन टीवी ने काफी अच्छे अच्छे शोज इंट्रोड्यूस किए। तो चलिए जानते हैं इमेजिन टीवी के टॉप 10 बेस्ट शोज कौन कौन से हैं। नंबर 10, रक्त संबंध। यह शो 2010 से लेकर 2011 तक चला था। इसके 185 एपिसोड्स हैं। यह शो भी अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था। इसके स्टार कास्ट भी काफी अच्छी है। इस शो में नजर आए थे पॉपुलर एक्ट्रेस रीति झा, नमन शॉ, सोनाली निगम, सचिन श्रॉफ और सायंतनी घोष। नंबर 9, राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी। यह शो 2008 से लेकर 2009 तक चला था। इसके 101 एपिसोड्स हैं। यह शो बालाजी टेलीफिल्म्स का था, जो कि अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था। इस शो की कहानी राधा और उसकी तीन बेटियों की है। राधा की भूमिका सुप्रिया पिलगांवकर ने निभाई थी। इसके अलावा उनकी तीन बेटियों की भूमिकाएं मोना वासु, रागिनी खन्ना और रतन राजपूत ने निभाई थी। इसके अलावा शो में अनीता कवल, अपूर्व अग्निहोत्री और सनाया ईरानी जैसे स्टार्स भी नजर आए थे। नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य। 2011 से लेकर 2000 चले इस शो के 105 एपिसोड्स हैं। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल एक सोनी टीवी पर भी टेलीकास्ट हुआ था, परंतु यह उससे दूसरा है। इस शो में नजर आए थे आशीष शर्मा, मनीष वधवा, निधि टीकू और सूरज थापर। नंबर 7, सवारे सबके सपने प्रीतो। यह सीरियल 2011 में शुरू हुआ था, जो कि 2012 तक चला था। इसके 205 एपिसोड्स हैं। यह शो भी काफी पॉपुलर हुआ था। इस शो की शूटिंग अमृतसर और पंजाब में हुई थी। इस शो की कहानी पांच बहनों में से एक बहन प्रीतो की है, जिसकी भूमिका अंकिता शर्मा ने निभाई थी। बाकी की चार बहनों की भूमिकाएं लीरा सोनी, महिमा मकवाना, दिव्या भटनागर और देवरीना भट्टाचार्जी ने निभाई थी। इसके अलावा शो में आदित्य रेड्डी और पवित्र पुनिया जैसे स्टार्स भी नजर आए थे। शो की स्टारकास्ट भी काफी दमदार थी। नंबर 6, रहना है तेरी पलकों की छाव में। यह शो 2009 में शुरू हुआ था, जो कि 2010 तक चला था। इसके 250 एपिसोड्स हैं। यह रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का शो था। इस शो में नजर आए थे अमरपली दुबे, सुमित व्यास, शोएब इब्राहिम और सुनैना फौजदार। शो ने अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। नंबर 5, रामायण। यह सीरियल 2008 से लेकर 2009 तक चला था। इसके 300 एपिसोड्स हैं। यह रामायण सागर फिल्म्स द्वारा बनाई गई थी। इस शो में गुरमीत चौधरी, देबीना बनर्जी, अंकित अरोड़ा और अखिलेंद्र मिश्रा जैसे स्टार्स नजर आए थे। हालांकि रामायण सीरियल्स और भी हैं, परंतु यह इमेजिन टीवी वाला रामायण है। नंबर 4, बाबा ओवर ढूंढो। यह शो 2010 से लेकर 2012 तक चला था। इसके 399 एपिसोड्स हैं। इस शो की कहानी भी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। इस शो में नजर आए थे जूही असलम, विक्रांत मैसी, रेशमी घोष, शैलेश दत्तर और तनवी ठक्कर। नंबर 3, ज्योति। यह सीरियल 2009 से लेकर 2010 तक चला था। इसके 511 एपिसोड्स हैं। इस शो में नजर आए थे स्नेहा वाघ, श्रीति झा, श्रीनिधि शेट्टी और समीर शर्मा। यह शो भी अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था। इस शो को बाद में दंगल टीवी पर भी टेलीकास्ट किया गया। नंबर 2, बंदनी। यह सीरियल 2009 से लेकर 2011 तक चला था। इसके 520 एपिसोड्स हैं। यह शो बालाजी टेलीफिल्म्स का शो था, जो कि अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था। यह इमेजिन टीवी का सबसे लंबा चलने वाला शो है। इस शो में नजर आए थे रोनित रॉय, आसिया काजी, लीना जुमनी और मृणाल जैन। इस शो को भी बाद में दंगल टीवी पर भी टेलीकास्ट किया गया। नंबर 1, कितनी मोहब्बत है। यह सीरियल इमेजिन टीवी का सबसे पॉपुलर सीरियल है। 2009 से लेकर 2011 तक चले इस शो के सीजन आ चुके हैं। यह बालाजी टेलीफिल्म्स का शो है। इस शो को इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सीरियल माना जाता है। इसके दोनों सीजन में लीड रोल में नजर आए थे करण कुंद्रा और कृतिका कामरा। इसके अलावा फर्स्ट सीजन में स्पोर्टिंग रोल्स में थे हितेन तेजवानी, रक्षंता खान और पूजा गौर। सेकंड सीजन में थे नितिन शेरावत, मोहन कपूर और मरीना लिनी त्यागी। यह इमेजिन का सबसे पॉपुलर शो है। तो ये थे इमेजिन टीवी के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर शोज। इसके अलावा इमेजिन टीवी पर और भी अच्छे शोज आए, जैसे कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, जसुबेन जयंतीलाल जोशी की ज्वाइंट फैमिली, धर्मपत्नी, धर्मवीर, मीरा, दो हंसों का जोड़ा, राजकुमार आर्यन, गुनाहों का देवता, मैं तेरी परछाई हूँ और महिमा शनि देव की। आपको इमेजिन टीवी का कौन सा शो पसंद था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।